News 18, India. इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली समेत पांच राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में चार सीटों पर आम आदमी पार्टी और तीन पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। गोवा में कांग्रेस दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी, चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक सीट पर, गुजरात में दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये ऐलान किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि ये जो मौजूदा हालात है इसको देख करके दोनों पार्टियों ने साथ आने का निर्णय लिया है। संभव है दो अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तीन पर प्रत्याशी रखने के बाद भी सातों पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। ये राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया। गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, नीरज और जावेद है। नीरज, आपके साथ अरविंदर सिंह लवली है, कांग्रेस नेता। उनसे पूछिए कि जो भरूच सीट है उस पर पहले से विवाद था, अब तकरार और नहीं बढ़ेगी। नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है। देखिए, बिल्कुल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हैं हमारे साथ। एक बड़े गठबंधन का ऐलान किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहले दिल्ली के बारे में बताइए लवली साहब, की जो आप लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई है, कैसे तय किया है कि चार पे आप, तीन पे कांग्रेस, चार पे आम आदमी पार्टी और तीन पे कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, हमने हमेशा से ये स्टैंड मेंटेन रखा था कि इंडिया अलायंस को लेके जो हमारा हाईकमान निर्णय करेगा वो दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। अब हमारे इंडिया अलायंस की जो कमेटी है उसने ये तय किया है कि चार सीटों पे आम आदमी पार्टी, तीन सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट की सीट में चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी जो है वो वेस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी। तो इसलिए जो है, पर हमारे कार्यकर्ता उस फैसले को सर माथे पे रखते हुए सातों की सातों सीटों के ऊपर जो है मजबूती से काम करेंगे और इसके बहुत सुखद परिणाम जो है आने वाले दिनों। आप कह रहे हैं कि सुखद परिणाम, लेकिन पिछली बार लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं, अगर आपके और आम आदमी पार्टी के वोट को जोड़ भी दिया जाए वो बीजेपी के वोट को मैच नहीं करते, तो कैसे उन्हें पीछे छोड़ेंगे? देखिए, जब चुनाव एकजुटता के साथ लड़ा जाए और बिना वोट ऑफ डिविजन के रहे तो निश्चित तौर पे उस चुनाव की रूपरेखा अलग होती है, हर चुनाव अलग ढंग से लड़ा जाता है। तो आप देखेंगे इस चुनाव के अंदर जो है, आप घबराहट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इंडिया के अलायंस को लेके है वो अपने आप में इस बात का सबूत है, क्योंकि मंच पे आप भी मौजूद थे जब घोषणा हो रही थी। गुजरात को लेकर भी हुई, भरूच को लेकर बहुत, फैजल पटेल जिनको आप भी जानते हैं, अहमद पटेल के बेटे हैं, वो मान के चल रहे थे कि भरूच अब वो लड़ेंगे चुनाव, वो नहीं आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर असंतोष है? देखिए, अब निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सेटबैक जिसकी अपनी सीट जाती है उसको होता है, लेकिन बड़े गोल के लिए छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अंतिम सवाल करूंगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ छापेमारी हो रही है, कैसे डिफेंड करेंगे जनता के बीच में? देखिए, जहां तक दोषियों को डिफेंड करने की बात है तो कांग्रेस तो इस बात के लिए जानी जाती है कि हमने अपने मंत्रियों के खिलाफ भी एक्शन लेना हो तो हम ले लेते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, जिस तरीके से टारगेटेड रूप से जो है ओपोजिशन के लोगों को तंग किया जा रहा है, खाली आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसा है, वो किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। तो हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, अरविंदर सिंह लवली थे। इनका मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी जीत दिलाएगा, और गुजरात की भरूच सीट की जहां तक बात है तो सेटबैक होता है, पार्टी में ऐसे डिसीजन होते हैं।
ठीक है, एक लंबी मंत्रणा मंथन इसको लेकर जरूर चला होगा। जावेद भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, पंजाब में क्या हुआ, वहां भी तो खबरें ये थी कि बात बन सकती है। कांग्रेस वहां लोकसभा चुनाव पिछले अगर नतीजे आप देखेंगे तो मजबूत स्थिति में है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास एक ही वहां पर सीट है, वो भी खुद मुख्यमंत्री की है। तो क्या ये कारण हो सकता है कि अपना अपना फायदा देखकर पंजाब में नहीं हुआ गठबंधन? देखिए, बहुत राजनीतिक परिदृश्य पंजाब का इस वक्त बदल चुका है। 2022 के चुनाव वहाँ पर हुए, वहाँ पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने कितनी प्रचंड जीत वहाँ पर दर्ज की। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये लगता है कि पंजाब में अगर कोई मजबूत है दो दल तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही है, लिहाजा एक रणनीति के तहत दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये सवाल संदीप पाठक से यहाँ पर पूछा गया कि भाई जनता को क्या कन्फ्यूजन होगी कि पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं और दिल्ली में यहाँ पर साथ हैं। तो उन्होंने इसका बड़ा जवाब दिया कि जनता को सब चीज़ें साफ हैं, तो पार्टी उसको इस तरह से डिफेंड कर रही है, लेकिन वो जनता में एक रोचक स्थिति तो होगी कि भाई पंजाब में अलग अलग हैं, दिल्ली में साथ हैं, लेकिन पार्टी का यही कहना है कि रणनीति के तहत ऐसा किया गया और जो विपक्ष का स्पेस है वो बीजेपी को नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये पार्टी की तरफ से दलील दी गई, लेकिन दिल्ली जिसको सबसे लेकर सबसे ज़्यादा रणनीति बनी, जिस पर सबसे ज़्यादा वार्ताएं हुई, वहाँ पर अंततः दोनों पार्टी साथ आ गई हैं, क्योंकि दिल्ली वो क्षेत्र है जहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है जब बात लोकसभा चुनावों की जाती है। तो ऐसे में 2019 का चुनाव हमारे सामने है, 2014 का चुनाव हमारे सामने, जहाँ बीजेपी ने सभी सातों सीट अच्छे खासे मार्जिन से जीती थी। अगर 19 की बात करें तो, और अगर दोनों का वोट शेयर मिला भी दे तब भी बीजेपी का जो वोट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में इन दोनों दलों के सामने चुनौती ये होगी कि वो बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करें और दिल्ली में खासतौर से वहाँ पर बीजेपी को चुनौती दे सके, क्योंकि आसान नहीं होगा साथ आने के बाद भी दोनों दलों के लिए। बिल्कुल आसान नहीं होगा, इसे मजबूरी का गठबंधन कहा जाए। जावेद, ये भी समझना होगा। खैर, आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी ने इस गठबंधन को ठग गंदन करार दिया है, सुनिए जरा। फाइनली आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगिया करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने की मांग तक करी थी। तो राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, ये तो अब जनता डिसाइड करेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी बोल रही है, मीडिया से मुखातिब हो रही है, सुनते हैं। पार्टी में मुख्यमंत्री साहब की बात करें, मुख्यमंत्री साहब क्या देश में बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां सीधी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन पूरा गठबंधन मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा। जो बात आप लोग कह रही थी कि गठबंधन को लेकर भाजपा असहज है, लिहाजा दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अब भी आप लोगों को ऐसा अंदेशा है? ये बिल्कुल संदीप पाठक ने इस गठबंधन पर क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। एक बार बता दीजिए गठबंधन किस तरह से रहेगा सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे जमीन पर कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जिस तरीके से देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है जी, आज ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने राजनीतिक हितों को परे रखकर, राष्ट्र हित को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए। इस चुनाव में ये तय हुआ है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेंगे, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी, लेकिन लड़ेंगे मिलकर। ठीक है सर, सीनियर लीडरशिप साथ में रैली करेगी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक मंच साझा करेंगे दिल्ली में, रणनीति बन रही है? देखिए, वो सारे अब इसके बाद रणनीति बनेगी, उसमें प्लान बनाएंगे और जब अलायंस किए तो मिलकर लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, आसाम को लेकर स्थिति क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने तीन कैंडिडेट घोषित किए थे, वो किस तरह से रहेगा? आसाम के लिए लोकल यूनिट्स बात कर रही है और वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा एक आध दिन में, वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा सर। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अब भरू सीट को लेकर कन्फ्यूजन थी, जो अहमद पटेल की फैमिली वो सवाल खड़े कर रही थी, उसको लेकर अब तय हो गया फाइनली, वहाँ पर कैसे मेक श्योर करेंगे कि गठबंधन सही तरीके से काम करे? वो हो जाएगा। देखो, सारे कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी का जो कैडर है, वॉलंटियर है, सब देश हित के लिए ही है, और अगर देश हित के लिए है तो वो समझेंगे।
सर, यूपी में ये बात देखी गई कि अखिलेश यादव जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, अब जब दिल्ली में भी गठबंधन हो गया है तो कहीं भारत जोड़ो यात्रा